पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, जो अरेंजमेंट अभी अभी आपने देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो मेटल के प्लेट हैं आइडेंटिकल, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ये रहा वो कैपेसिटर। डायग्राम आप बहुत बड़ा या बहुत छोटा ना बनाएं, दोनों प्लेट आइडेंटिकल बनाएं, फ्री हैंड से बनाएं, स्केल वगैरह का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने सेल से कनेक्ट कर लिया इसे, आपकी इच्छा है, दोनों ऑप्शन मैंने दिए हैं आपको डायग्राम बनाने के लिए, प्लस माइनस, और ये हो गया पॉजिटिव क्यू, ये है निगेटिव क्यू। इंडक्शन से गैप बिटवीन बोथ द प्लेट्स है स्मॉल डी, ठीक, बीच में कुछ नहीं है। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हैं इसलिए कैपेसिटर का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे ज़्यादा चार्ज इस कंडीशन में भर जाएगा, क्योंकि जो सेकंड वाली प्लेट है उसके बाहर वाले एज को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, लो पोटेंशियल से अर्थ कर दिया है, या फिर लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है, पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं, ये पॉजिटिव आपने दिया, पॉजिटिव इसे मिला, इंडक्शन से माइनस क्यू हुआ और ये अर्थ हो गया। या तो आप ऐसा डायग्राम बनाइए या फिर ऐसा बनाइए, दोनों में से कोई सभी बना सकते हैं। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, और उस कैपेसिटेंस के फॉर्मूला के लिए बेसिक फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी से ही कैपेसिटेंस हमें मिलेगा। यहाँ पर अपनी एक प्रीवियस नॉलेज का हम यूज़ करेंगे, जो है गॉस थ्योरम वाली। गॉस थ्योरम में हमने देखा था कि किसी एक मेटेलिक शीट के लिए, ऐसा एक मेटेलिक शीट थी, उसको चार्ज दिया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, फिर एक सिलेंडर लिया था उसके लिए, और उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल मेटेलिक शीट, सिंगल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मेटेलिक शीट के लिए निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो था ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंगल शीट के लिए था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई एरिया, सिग्मा क्यू बाई एरिया, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों शीट्स के लिए, ठीक है। सिंगल शीट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए कितनी शीट है यहाँ पर, दो, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू है, तो नेट दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे इस रीजन में। उस दो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखेंगे कि नेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो उसके लिए हम अज्यूम करेंगे यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट हमने रखा, और देखेंगे इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट के लिए। पहले वाली प्लेट पर पॉजिटिव क्यू है, वो पॉजिटिव क्यू इस क्यू नॉट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऐसे, यानी कि इस वाली प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने नाम रख दिया E1, पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, जिसकी वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, दूसरी प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू है, वो माइनस क्यू इस क्यू नॉट को अपनी तरफ खींचेगा, यानी E1 भी वाइट बोर्ड पर लेफ्ट से राइट जा रहा है, और E2 भी लेफ्ट से राइट में एप्लीकेबल है, यानी कि सीधी सी बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जो रीजन है, ये कैपेसिटर का रीजन, या कैपेसिटर बोल सकते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के एडिशन से मिलेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम से हमें पता है दोनों का डायरेक्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा इस रीजन में, यहाँ वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, मान लीजिए E है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों की वैल्यू सेम है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पुट करिए, फिर दूसरा भी पुट करिए और इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 2 into σ/2ε₀, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया सिग्मा बाई 0ε₀। सिग्मा को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं क्यू बाई ए, तो ये ई बन गया चार्ज के टर्म्स में क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। जब ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है तो यहाँ पर एक पोटेंशियल सेट हो जाता है, मान लीजिए वो पोटेंशियल है वी, अगर वी पोटेंशियल यहाँ पर सेट हो गया है, तो फिर वी पोटेंशियल में और जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड था, इन दोनों में एक रिलेशन होगा, दोनों प्लेट के बीच में गैप है डी, तो हमारे पास रिलेशन है ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स,
जो है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द गैप बिटवीन बोथ द प्लेट्स बोथ द पॉइंट्स। यहाँ पर प्लेट है तो प्लेट लेंगे, और मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड्स में जो E है वो हमारा E आ जाएगा, E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो हो गया V, गैप बिटवीन दैम इज T, बोथ द प्लेट्स D। क्वेश्चन नंबर टू, दोनों ही दो अलग अलग तरीके से बताए गए इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उसी जगह के, यानी दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। अगर ये दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर ये यहाँ से आप कैलकुलेट किया 10 न्यूटन पर कूलाम आया, तो यहाँ से भी आपको 10 न्यूटन पर कूलाम ही मिल रहा है। दो अलग अलग रास्तों से आपने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ओके, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक ही प्रोसेस को डिनोट करते हैं इसलिए दोनों बराबर हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों को बराबर कर देंगे। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाई डी। वी को इधर ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यू बाई वी, और ए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज देंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्यू बाई वी अब आपका जाना पहचाना है, क्यू बाई वी को रिप्लेस करना है सी से, तो ये हो जाएगा आपका सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ लाके आपका काम हो जाएगा ख़त्म। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला ये है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इन टर्म्स ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड द मीडियम। यहाँ भी देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो स्फेरिकल कैपेसिटर में भी आया था, यानी कि ये भी चिक चिक के आपसे कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो किसी और मीडियम के केस में बढ़ जाएगा किसी भी कैपेसिटर के लिए अदर देन फ्री स्पेस। अगर प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस एयर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होगा तो यस कैपेसिटेंस उस केस में हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को फिल करके, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि कूलॉम्स लॉ में क्या होता था, रेसिप्रोकल में आता था, कूलॉम्स लॉ की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती थी डाइलेक्ट्रिक को फिल करने से। ओके, तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी, जो तीन बातों पर डिपेंड करती है। किन किन पर डिपेंड करती है, एक तो एरिया पर डिपेंड कर रही है, किसका एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डायरेक्टली पहला, और सेकंड मीडियम है, मीडियम पर डिपेंड कर रही है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और थर्ड है आपका गैप बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, ये डायरेक्टली है और ये है इन्वर्सली। तो ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्योंकि ये भी हमें बता रहा है कि मीडियम पर डिपेंड करता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर हम बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो फिर इस कैपेसिटेंसी का क्या होगा। ये तो दिख ही रहा है कि बढ़ जा रही है, बढ़ेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितनी बढ़ जाएगी इस पर काम करते हैं देखिए। तो क्या करेंगे उस केस में, यही हमारा सब रहेगा सेम। पहले हम डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा भरेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जगह में डाइलेक्ट्रिक भरेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक is filled partially भरा है हमने। अगर partially भरा है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये रहा कैपेसिटर, थोड़ा बड़ा करके बनाया मैंने। इस कैपेसिटर को हमने चार्ज दिया, सेल बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा हो गया, गैप बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी एज यूजुअल, प्लस क्यू माइनस क्यू। उसके बाद ये आ गया आपका डाइलेक्ट्रिक, इतनी जगह में डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, कितनी थिकनेस में है ये डाइलेक्ट्रिक, थोड़ी जगह इसने घेरी, टी थिकनेस में आ गया ये, स्मॉल टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक है तो इसके पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, मान लीजिए वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, स्मॉल के,
अब आपके पास दो रीजन हो गए, यहाँ पर एयर है, यहाँ भी एयर है। इस डाइलेक्ट्रिक को आप जरूरी नहीं यहीं पर रखें, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, है इस जगह में बीच में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब दो रीजन हो गए इस दोनों प्लेट के बीच में, एक एयर भरी हुई है और कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा है, दोनों प्लेट के लिए जब हमने ऐड किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर दो तरह से काम करेगा, एक एयर के लिए काम करेगा और एक डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन के लिए काम करेगा। तो फॉर एयर रीजन, एयर रीजन में जब हम जाएंगे तो हम लिखेंगे ई वन, चलिए एयर लिख लेते हैं, ई एयर, एयर वाले रीजन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से फॉर डाई इलेक्ट्रिक रीजन, डाई इलेक्ट्रिक रीजन, डाई इलेक्ट्रिक रीजन में जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई, डाई इलेक्ट्रिक के लिए मैं लिख देता हूँ मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक रीजन के लिए बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा के। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में हमने लिख लिए। उसके बाद पोटेंशियल की हेल्प लेंगे, नेट पोटेंशियल बनाएंगे, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल भी दो रीजन की वजह से आएगा। नेट पोटेंशियल वुड बी कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल का नाम देंगे वी, और एक एयर रीजन के लिए लिखेंगे पोटेंशियल और एक लिखेंगे मीडियम के लिए। फॉर्मूला लगाएंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला जो बार बार लगाते आ रहे हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। मैग्नीट्यूड में लेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द गैप। तो एयर रीजन के लिए एयर वाला गैप लेना है, मीडियम के लिए मीडियम वाला गैप लेना है, एयर रीजन के लिए एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, मीडियम के लिए मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू ई इंटू गैप, ई कौन सा, एयर रीजन के लिए ई एयर इंटू ई एयर के साथ, ई एयर कितनी जगह में है, टोटल डिस्टेंस है डी और उसमें से टी थिकनेस में भरा है डाइलेक्ट्रिक, तो डी में से टी माइनस करेंगे तो बाकी जगह में एयर है, डी माइनस टी प्लस। उसके बाद मीडियम के लिए जाएंगे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गैप, मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई मीडियम इनटू, मीडियम कितनी जगह में है, मीडियम तो खाली डी थिकनेस में है, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतनी ही जगह में डाइलेक्ट्रिक है, वैल्यूज पुट करेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू टी, और इस तरफ चल रहा है वी, सिग्मा की वैल्यू बाद में रिप्लेस कर देंगे, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एरिया, जब चाहें आप तब कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, पहले कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल के आपके पास बचेगा V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद बचता है यहाँ पर T माइनस टी और इधर बचेगा प्लस टी बाई के, टी बाई के। उसके बाद सिग्मा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, सिग्मा है Q बाई एरिया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इस ब्रैकेट को चाहे तो आप और सॉल्व करके दिखा सकते हैं, वरना इतने से ही काम चल जाएगा, इसी को साथ साथ चलाते रहिए। उसके बाद देखिए V को इधर भेजना है, Q बाई वी हो जाए, जिससे जो कैपेसिटेंस बन जाएगा आपका C इज इक्वल टू Q बाई वी से कैपेसिटेंस मिलना है, तो Q है, V को इधर भेज रहे हैं Q बाई वी, और बाकी सारे टर्म चले जाएंगे दूसरी तरफ। तो A एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा नीचे, ये हो गया आपका D माइनस टी प्लस टी बाई के। Q बाई वी को बना देंगे C और इक्वेशन को घुमा के लिख देंगे, C इज इक्वल टू ये टर्म दूसरी तरफ लिख देंगे A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई
के, ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब हमने क्या किया है, डाई इलेक्ट्रिक को उसके बीच में भर दिया है, प्लेट के बीच में, कितना, थोड़ी जगह में भरा है, पार्शियली पार्शियली फिल्ड किया है, तब ये कैपेसिटेंस है। ओके, अब फर्क तो पड़ रहा है, पड़ जा रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि हमें करना क्या है, हमारा काम है कैपेसिटर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करना, और कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हमें स्टोर करना है। इसलिए पहले हमने अरेंजमेंट बनाया, मेटल के पास दूसरा पीस ला के रखा, फिर अर्थिंग किया, उसके बाद कैपेसिटी को बढ़ा के चार्ज उसमें भर लिया। अब हमने और स्टडी की, फैक्टर हमें मिल गए, उन फैक्टर्स में हमें एरिया मिल गया, तो उससे पता चल गया कि जितना बड़ा एरिया कैपेसिटर क्या रहेगा प्लेट्स का, उतना ज़्यादा चार्ज आ जाएगा। गैप कम से कम रखना है, ज़्यादा चार्ज आएगा, कैपेसिटेंसी हाई होगी, मीडियम के लिए सारा काम जाम कर रहे हैं, कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो अगर बढ़ रहा है तो पूरे में ही भर देते हैं, फिर पूरी जगह में कैपेसिटेंस, इस जगह में कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर पूरे में भर देंगे व्हेन फुल्ली फिल्ड, तो नोट में आप नोट करेंगे यहाँ जाने के बाद, नोट में आपको ये नोट कर लेना है, सिंपली नोट, इफ डाई इलेक्ट्रिक इज फुल्ली फिल्ड इन कैपेसिटर बोला जाए, गैप बिटवीन दैम बोला जाए, कुछ भी बोल सकते हैं, फुल्ली फिल्ड पे आपका फोकस रहना है, फुल्ली फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो फिर सिंपली क्या हो जाएगा, आपको कुछ पूरा ड्राइव नहीं करना। देख सकते हैं थिकनेस, पहले टी थी, अब ये टी थिकनेस जो है पूरी डी के बराबर हो गई है, इस पूरी जगह में ही डाइलेक्ट्रिक आ गया, टी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक को दी हुई है, तो टी थिकनेस पूरे में भर दिया तो डी के बराबर हो गई, इस डी के बराबर। तो उस केस में क्या है, सीधा इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, देयरफॉर टी इज इक्वल टू डी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस बनेगा आपका फुल्ली फिल्ड के केस में ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ये देखिए इस ब्रैकेट में यहाँ पर पुट करेंगे, टी के प्लेस पर डी रखेंगे, तो d माइनस डी जीरो हो जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ भी d डिवाइडेड बाई k। अब देखिए ये टर्म तो हो गया ज़ीरो, ज़ीरो प्लस समथिंग जो है वही रहेगा, उसके बाद ये वाला k ऊपर चला जाएगा, k इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d, ये कैपेसिटेंस आपके पास आ गया। यानी कि हम फुल्ली फिल्ड कर देते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक से, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बार बार जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी होती है। जब ये वन से बड़ा होगा, मान लीजिए आपने कोई डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रखा है, उस डाइलेक्ट्रिक की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू है एट, तो अगर उस डाइलेक्ट्रिक को हमने नहीं भरा पैरेलल कैपेसिटर में, प्लेट कैपेसिटर में, और कैपेसिटेंसी आई हमारे पास C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सॉल्व किया, मान लीजिए ये आ गया 10 फेरेड, उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बिना कोई चेंज किए हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है 8, उसे फिल करने पर कैपेसिटेंसी का क्या हो जाएगा, K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू है 10 और K है 8 इंटू 10, कैपेसिटेंस हो जाएगा 80, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कितने टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स। तो सीधा सा मतलब है कि व्हेन वी फिल सम डाइलेक्ट्रिक्स इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस गेट्स इंक्रीज्ड, हाउ मच, इट बिकम्स द टाइम्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इट हैज, 8 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 8 टाइम्स हो जाएगा, 10 है 10 टाइम्स हो जाएगा, 2 है 2 टाइम्स हो जाएगा, इस तरह रहेगा। जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतने टाइम्स वो कैपेसिटेंस उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बढ़ जाएगा। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज फुल्ली फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक इज फुल्ली फिल्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।